और इसलिए हमारा मैनेजमेंट ये डिसाइड किया कि नहीं, हम वर्कर भाई को ये चीज फ्री में देंगे, ताकि उसके दिल के अंदर ये चाहत जगे कि नहीं, ये चीज फ्री में दिया जा रहा है, हमको इसका कोई अमाउंट पेड नहीं करना पड़ रहा है, बट ये हमारी जिंदगी को बचा रहा है। इस बात को डालने के लिए अभी आपको ये फ्री में दिया जा रहा है तो आप लोग इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाता कि नहीं आप इसको खरीद के लाओ तो कुछ ही लोग यहाँ पे काम करने वाला होता, बाकी सब चला जाता घर। इस्तेमाल करते हैं सब फट गया तो भी हम बिल्कुल यही करना है। अगर वो काम के लायक है तो ठीक है, और बाकी का आगे आप दिया जाएगा। तो यही चीज अंदर में लाना है कि ये चीज अगर आप लाएंगे अंदर में, ये गुड बिहेवियर अगर आपके अंदर में आएगा तो आपका जीवन बचा रहेगा, आपके लिए ही ये फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले वर्किंग एंट्रेंस में जाने से पहले, वर्किंग एंट्रेंस एरिया में घुसने से पहले आपको इस बातों का ध्यान रखना है, और जो पीपीज है उसका इस्तेमाल सही ढंग से करना आना चाहिए। जैसे कि आपका हेलमेट, अगर हेलमेट आप बिना चाइनीज टिप का पहनेंगे तो ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज पे गिरेंगे और अगर आप किसी चीज से टकराएंगे तो ये आपका तो उड़ जाएगा, उखड़ के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्रोटेक्ट नहीं है, चाइनीज टिप नहीं लगाया आप, तो आपको नुकसान पहुंच जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो हेलमेट है क्या, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं हम कि हेलमेट एक जो आप सर पे रख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर कोई सामान गिर जाए इसीलिए ये बचा रहा है, नहीं, ये आप किसी चीज पे गिर जाएंगे तब भी आपको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। हेलमेट का फुल फॉर्म बता रहे हैं आप लोगों, ठीक है, H फॉर हेड प्रोटेक्शन, ये हमारे सर को बचाता है, ठीक है, E फॉर आईज प्रोटेक्शन, ये हमारे आंखों को भी बचाता है, L फॉर लिप प्रोटेक्शन, ये हमारे होठों को बचाता है, M फॉर माउथ प्रोटेक्शन, ये हमारे पूरे चेहरे के हिस्से को भी बचाता है, E फॉर एयर प्रोटेक्शन, ये हमारे कानों को भी बचाता है, और G फॉर टीथ प्रोटेक्शन, ये हमारे दांतों को बचाता है। मतलब ये एक चीज हमारा पूरा ये गर्दन से लेके यहां से लेके तो बचा रहा है। ये जो आगे में निकला हुआ देख रहे हैं आप, ये कोई स्टाइल के लिए नहीं दिया गया, इसका भी एक मतलब था। क्या मतलब था? कि अगर आप किसी पे गिर जाते हैं, बाई चांस किसी से टकरा के आप अगर कहीं गिर रहे हैं, तो सबसे पहले जमीन पे ये आएगा, और ये आएगा तो आपका नाक जमीन में टकराने से बच जाएगा, उस स्थिति में आपके मुंह पे चेहरे पे कोई भी नुकसान नहीं आएगा। ये कब होगा? जब आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। सही इस्तेमाल कैसे होगा? जब आप इसको विद चैन स्ट्रिप के साथ पहनेंगे। इसको हम लोग चैन स्ट्रिप बोलते हैं, इसको आप लोग पट्टा बोलते हैं ना, क्या पट्टा बोलते हैं ना, हाँ, ये चैन स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये नहीं है कि इसको क्या बोला जाता है और इसका क्या डिफिनेशन है, इसका क्या ये है, वो जानने का जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ये चैन स्ट्रिप के साथ, इसके साथ जो देख रहे हैं, इसके साथ आपको पहनना है। प्रैक्टिकली अगर आप इसको हैबिट में लाएंगे तो डेफिनेटली एक से दो दिन आपको दिक्कत होगा, लेकिन तीसरे दिन से आपको पूरा हैबिट हो जाएगा, और ये हैबिट आपके जीवन को बचा सकता है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। हेड प्रोटेक्शन मतलब कि आपका सीपीयू बच रहा है, पूरा पार्ट्स बॉडी फंक्शनल जो हो रहा है हमारा यहीं से कंट्रोल हो रहा है, हमारा ब्रेन हमारा सर से कंट्रोल हो रहा है। इसमें छोटा सा भी चोट, छोटा सा भी ठोकर हमारे ब्रेन को खराब करने के लिए काफी है। ये बहुत नाजुक है, ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये सेंस पूरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव को हिंदी में बोला जाता है, सेंसिटिव है, समझ रहे हैं ना आप लोग, सेंसिटिव है, बहुत ही नाजुक चीज है। इसमें अगर आपको चोट लग जाएगा तो फिर आपको फिर रांची के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, पागल हो सकते हैं आप। तो ये आपके साथ ना हो इसीलिए हम लोग आपको ये सारा चीज देते हैं, और भी बहुत सारा चीज आप लोगों को दिया जाता है ताकि आपको इसका इस्तेमाल करके आप इससे बच सके, ना कि ऐसा कोई चीज करके आप हमारे साइड को दुर्घटना की तरफ ले जाए। और हम लोग को देख के बहुत खुशी होता है कि UGR2 का जितना भी गैंग है यहाँ पे वो इसका इस्तेमाल बखूबी करता है, लेकिन बीच बीच में जो चूक हो रहा है उसी